हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो हमने बैंगलोर में अपनी सोसाइटी में कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये था एक रात पहले क्या क्या तैयारियां हुई थी, सारी सब कुछ बिल्डिंग जो थी वो अच्छे से सजा दी गई, लोग रंगोली बना रहे थे। और ये था नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल। सुबह हो गई, फिर हमने सोचा कि सबसे पहले मंदिर चलते हैं, चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मंदिर पहुंच के पता चला कि मंदिर में पाठ जस्ट अभी ही ख़त्म हुआ है और उसके बाद एक हवन भी हो चुका है। तो सब लोग वहाँ पे, जितने लोग हैं, भीड़ जो आपको दिख रही है, सब लोग एक एक करके हवन सामग्री हवन कुंड में डालने का वेट कर रहे थे। तो हम भी वहाँ गए, हमने भी वही किया, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे और एक आरती भी होनी थी तो उसका वेट किया। पीछे की तरफ कुछ लोग कन्या भी खिला रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मंदिर में हो रही थी। तो अब प्रसाद मिलना शुरू हो गया था तो हम लग गए लाइन में प्रसाद के लिए। प्रसाद में थी पूरी मिठाई, खीर, हलवा, चना भी था। हम यहाँ पे मेन मंदिर पे आए थे, प्रसाद मिल गया है, पूजा पाठ सारा हो चुका है। अंदर इन्होंने लगा रखा है एक एरिया जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे देखने के बाद हम आ गए थे घर और बाकी हमने देखा मोदी जी के यूट्यूब चैनल पे बाकी टेलीकास्ट, जब उन्होंने आखिरी की पूजा और आरती की। उसके बाद हम आ गए थे महाप्रसाद, एक भंडारा ऑर्गेनाइज हुआ था अंदर वो खाने के लिए, तो सारी भीड़ उसी की है और हम भी लगे हुए थे लाइन में, बट नंबर जल्दी आ जाता है। तो ये था हमारे खाने में, ये सारा खाना ये सब खा के और फिर वहाँ पे भगवान जी के हाथ जोड़ के हम चले गए घर, क्योंकि अब दिन में ज़्यादा कुछ होना नहीं था तो हम आएंगे अब शाम में। हो गई ये शाम, तो शाम को सबने क्या किया था कि कुछ 2300 दिए जलाए थे पूरे मंदिर में। हर जगह राम जी का नाम लिखा था और जितनी भी मंदिर की बाउंड्री थी उस पर अच्छे से सारे दिए वगैरह लगाए थे, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आपको दिख रहा होगा। तो बस मंदिर के बाद अगला नंबर था जो एम्फी थिएटर है, वहाँ पे होनी थी भजन संध्या। तो उन्होंने एक मंडली और एक कोई ग्रुप को बुलाया था, तो यहाँ पे आके हम बैठ गए और काफ़ी देर तक इन्होंने जो भजन गाए वो सब सुने, वही सब हमने एंजॉय किया। थोड़े से ग्लिम्स आप भी सुनिए। तो बस इसी के साथ पूरा जो दिन था 22 जनवरी का, जो हमारी हिस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो होता है ख़त्म। पूरा दिन ऐसे ही पूजा पाठ में भगवान जी का नाम लेते लेते निकल गया। तो आई होप आपको हमारा सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।